नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। दोस्तों आज मैं ई रिक्शा एजेंसी पे आया हूँ, यानी अदान ऑटो सेल। तो यहाँ आप सभी को बताना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ई रिक्शा लेते हैं तो अगर आप लोग कैश लेते हैं तो कितने का है, और फाइनेंस आप लोग कराते हैं तो फाइनेंस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है और कितने में डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मैं एजेंसी में आ चुका हूँ, यहाँ पर दो ई रिक्शा है, अपनी बाइक भी है। तो मैं हैदरगढ़ में हूँ, एक्चुअली मैं इधर से जा रहा था, मैंने कहा इस पर भी वीडियो बना दिया जाए, बहुत सारे लोग भाई बहन कमेंट करते हैं तो आपको सही जानकारी मिलेगी। तो हम चलते हैं अंदर, ये ऑफिस है और जस्ट हम आ चुके हैं ई रिक्शा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये भाई बैठे हुए हैं। ये कई एक दो तीन चार ई रिक्शा है, तो इसके बारे में बात करूँगा कितने में है क्या है। जी तो ये है, तो अभी हम भाई से इंटरव्यू लेंगे कि कितने में है, एमआई में कितने पाएगा, कैश में कितने में आएगा, क्या इसको लेने से बेनिफिट है कि नहीं है, ये सही रहेगा कि डीजल वाला जो ऑटो रिक्शा होता है वो सही रहता है, दोनों में कंपेयर किया जाएगा। तो यही कहना चाहता हूँ, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलते हैं मेन मुद्दे पर, यहाँ बैठे हुए हैं। क्या है आपका? दिवाकर मिश्रा। क्या? दिवाकर मिश्रा। दिवाकर मिश्रा, तो भैया आपकी ये एजेंसी है? जी, ऑटो इंडिया के नाम से हमारी गाड़ियाँ हैं। जी जी, तो भैया ये बताइएगा कि ई रिक्शा बहुत हैं, जैसे बहुत सारे लोग कैश लेना चाहते हैं और डाउन पेमेंट पे लेना चाहते हैं, कैश में कितने में पड़ जाएगा कस्टमर को और डाउन पेमेंट पे कितना? कैश में हमारी गाड़ी 150,000 रुपये की पड़ जाएगी। 150,000, और यही अगर डाउन पेमेंट देके कोई लेना चाह रहा है फाइनेंस करा के, तो ये गाड़ी करीब हमारी 175,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। 175,000, हाँ 175 की पड़ेगी, जिसमें आपको आधा पेमेंट पे करना होगा और आधा जो है बाद में किस्तों में हो जाएगा, एक साल की किस्तें होंगी गाड़ी की। माइक्रोटेक कंपनी की चार्जर होगा इसमें, माइक्रोटेक कंपनी का बैटरा होगा 140 एम्पीयर का, और जो है 1000 वाट का मोटर लगा हुआ है। गाड़ी की जो है 3 साल की वारंटी है, 3 साल, 1 साल का इंश्योरेंस है गाड़ी में। बाकी सारी गाड़ियों से ज़्यादा इसमें स्पेस दिया गया हुआ है, गाड़ी की मजबूती ज़्यादा बेटर है। इसमें जो है C8 का टायर लगा हुआ है जी, और जो है क्या बोलते हैं सारी गाड़ियों में बाजा है, LED बल्ब दिए गए हुए हैं जी, सेंट्रल लॉक सारी गाड़ियों में है, LI व्हील के साथ और विदाउट LI व्हील में 5,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। स्टील बॉडी और लोहे के बॉडी में भी अपने पास अवेलेबल है। थोड़ा और यहाँ बताएँगे लोगों को, जैसे ये बाइक ई रिक्शा है तो ये कैसे स्टार्ट होगा और कितने किलोमीटर रफ्तार से चलेगी? स्टार्टिंग के लिए ये लगा हुआ है, स्विच काटने के बाद ऑन करेंगे आप? ऑन करेंगे, ठीक, ऑन हो जाएगी गाड़ी। इसके बाद ये बटन लगा हुआ है जी, जी। इससे बैक और फ्रंट दोनों के लिए जी, जी। सिस्टम लगा हुआ है, आप जितना स्पीड देंगे वो स्पीड के अकॉर्डिंग चलेगा। अपनी गाड़ी की 40 की स्पीड है, जो अदर कंपनियों में मिनिमम 25 से 30 की स्पीड दी गई हुई है। इसमें कितने की है? अपनी 40 की स्पीड तक। 40 जी, यानी भाई का कहने का मतलब अगर आप लोग इस कंपनी के कल ई रिक्शा लेते हैं तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं कि 25 और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से लेते हो, इस कंपनी का लेते हो, तो आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मिलेगी, यानी रफ्तार में बेहतर है। और अपनी गाड़ी जो है 135 किलोमीटर का बैकअप देगी, एक चार्जिंग में 135 किलोमीटर चलेगी गाड़ी हमारी। अदर कंपनियों के क्या है 90, 100, 80, ये सारा सिस्टम दिया गया है। अदर चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे के अवेब लगेगा एक चार्जिंग में, जिस क्योंकि 4 बैटरियों का सेटअप है इसमें। 4 बैटरी जी। अच्छा, ये बैटरी वारंटी कितने साल की? 1 ईयर वारंटी के साथ है, 1 साल की वारंटी है। अच्छा, ये चारों बैटरी जैसे हम बदलवाएंगे एक साल हो जाएगा, तो अगर माइक्रोटेक कंपनी की होगी वो तो करीब 38,000 की आएगी। 38,000, और बैटरियां तो आप मान के चलिए 32,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएंगे, 140 एम्पीयर। कंपनी का नाम क्या है आप लोग देख सकते हो, ये चार इंडिया के नाम से हमारी गाड़ी ड्यूक ऑटो इंडिया से नाम से है, और ये यानी मैंने आईकेट अप्रूव्ड है गाड़ी, कोई भी गाड़ी आईकेट अप्रूव्ड नहीं है। और ये
40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देगी। तो जैसे आप लोग रनिंग करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो और पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हो, क्यों भैया, जैसे आप लोग रनिंग करोगे अच्छी रोड रहेगी, जैसे हैदरगढ़ वाली रोड है, जैसे आप लोग यहाँ के व्यूअर्स हो, आप लोग यहाँ देखना चाहते हो।